ऑल राइट एम जी फैमिली, होप सो यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एम जी स्ट्रगल। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है मेरी ही पल्सी और उसके जस्ट इस साइड पर खड़ी है एवेंजर्स। सो गाइस, गेस कर सकते हो आप लोग कि हम कौन सी बाइक राइड करने वाले हैं। सो ये वाली नहीं गाइस, ये वाली अपनी तो करती ही रहते हैं। सो गाइस, आज हम राइड करेंगे आरएस। सो गाइस, आज हम बताते हैं, आज हमारा ब्लॉग आरएस से ही होने वाला है। भैया अपने आरएस लेके आते तो मैं सोचा चलो यार एक ब्लॉग कर दे रहा हूँ। गाइस देख सकते हो फुल्ली मॉडिफाइड है बाइक, कुछ भी कमी नहीं रख छोड़ी है भाई बाइक में, पूरी मॉडिफाइड है और हज़ार इंडिकेटर सब कुछ, मतलब टोटली जो होना चाहिए प्रॉपर बाइक में वो है। सो गाइस, आज हम इसी का रिव्यू करके दिखाएंगे, रिव्यू कह रहा हूँ, एक राइड रिव्यू देंगे छोटा सा और कुछ साथ में पब्लिक रिएक्शंस भी कलेक्ट करेंगे। और बाकी गाइस, सो गाइस एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं आपको इसका। मफला हटाने की वजह से काफी बेसी साउंड हो गई है अब इसकी। सो गाइस, चलिए फिर इसका राइड रिव्यू करके बताते हैं आपको और कुछ पब्लिक रिएक्शंस भी हम कलेक्ट करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए फिर वीडियो का भाई स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का लाइक ज़रूर मार दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि अपने पास है बीस्ट आरएस 200। सो गाइस, चलते हैं फिर कुछ पब्लिक रिएक्शन कलेक्ट करने और बाकी आपका राइड रिव्यू देने। सो गाइस, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर कैमरा एंगल, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि ये मेरी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही, जो पहली वीडियो थी वो पता नहीं किस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हुई, थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड हुआ फिर बीच में कट हो गई। सो गाइस, दोबारा से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी और इसमें थोड़ा सा कैमरा एंगल गलत हो गया था, मतलब ऊपर की साइड हो गया, थोड़ा सा नीचे करना था, पर फिर भी गाइस मैं सोचता हूँ आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कोशिश करी कितना भी मैंने एडिट किया पर नहीं कर पाया उस चीज़ को ठीक। बाकी गाइस आप वीडियो एंजॉय करिए, काफ़ी पावरफुल बाइक है ये आरएस 200 BS6 होने के बाद भी 150 टच हो जाती है, भैया ने 150 टच कर रखी है। और कैसा लग रहा है आरएस से व्लॉग ज़रूर बताना भाई, अगर आपको दोबारा से आरएस से व्लॉग चाहिए तो गाइस मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, आपके लिए आरएस दोबारा आएगी भाई। तो गाइस, इसके बाद जो है हम कुछ पब्लिक रिएक्शंस कलेक्ट करेंगे, तो देखिएगा गाइस काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन होने वाले हैं यहाँ पर। सो ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंडीशन बताऊं तो भाई काफ़ी अच्छा कंफर्ट लेवल है भाई, कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई है। और चलिए भाई, हाँ कुछ पब्लिक रिएक्शन के लिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा, मतलब मोहल्लों की साइड में, देखते हैं कि क्या रिएक्शन मिलने वाले हैं।
पापी मुन्यायो। चलिए गाइस, अपना रास्ता भी हो गया साफ और यहाँ से भी भाई एक रास्ता है। उम्मीद है कि गाइस RS निकल जाए, क्योंकि मेरी बाइक तो निकल जाती है बड़े आराम से। उम्मीद तो है, उम्मीद है, उम्मीद पे गाइस, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। तो निकल चुकी है गाइस। तो गाइस मज़े लीजिएगा रश राइडिंग के, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अब रश में। एक पावरफुल बीस्ट और One hour later. वीडियो कैसी लगी भाई बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई चैनल, और मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी MG Straddle।